फैक्टंतर दर्शकों को नमस्कार। आज आपने देखा नोएडा में एक टावर को गिराया गया, बिल्डिंग को गिराया गया। भ्रष्टाचार की ये दो इमारत जमींदोज हो गई, लेकिन ध्यान रखे भ्रष्टाचार का दानव अब भी जिंदा है, जो गरीबों और आम आदमी का खून चूस रहा है। कभी कलरक तो कभी नेता की शक्ल में तस्वीरें आती रहती है। फैक्टंतर आपसे अपील करता है कि आप एक प्रकार से किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न करें, रिश्वत न लें, ईमानदारी से कार्य करें। और इस बिल्डिंग के धराशायी होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे फैक्टंतर के विशेषज्ञ ने जो अपनी राय दी है वो राय जरूर सुनिए। आज आप सब लोगों ने देखा कि 2:30 यानी कि 2:30 बजे नोएडा के ट्विन टावर्स को धराशायी कर दिया गया। 3,700 केजी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते हुए इन दो टावरों को लगभग 12 सेकेंड में गिराया गया। इनके पीछे की कहानी बहुत सीधे तौर पे समझे तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से केस चल रहा था, और केस चलने का जो सीधा कारण था वो ये था कि नोएडा अथॉरिटी के जो नियम है, जिस जगह पर वो बिल्डिंग बनाई गई थी उसको लेकर जो नियम है, उसकी ऊंचाई को लेकर, बनाने के मानकों को लेकर, उन सभी नियमों को ताक पर रखकर इसको बनाया गया था। और लगभग ऐसे कई केसेस की बात करें जो इसके जुड़े हुए बिल्डर रहते हैं, तो वो ये दिमाग में रखते हैं कि एक बार अगर बिल्डिंग खड़ी हो गई तो सरकार उसका कुछ नहीं कर पाएगी, केस चलता रहेगा और एंड ऑफ, मतलब बिल्डिंग तो ख़त्म होगी नहीं, फ्लैट बिक जाएंगे, बिकेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो जो फ्लैट के खरीदार थे उनसे एक अच्छी खासी रकम ले ली गई, ठीक है। दूसरा, जो नियम उन्होंने ताक पर रखे थे उसके लिए उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को रिश्वत दी थी। तो भ्रष्टाचार का एक रावण जो लोग कह रहे हैं वो सही मायने में कह रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार का रावण ही था, क्योंकि एक नियम को तोड़ने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छी खासी रिश्वत दी गई, जो फ्लैट के खरीदार थे उनके साथ एक धोखा हुआ, जो आसपास के लोग थे, जो बाकी बिल्डिंग्स थी उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक छल्लावा जैसा हो रहा था कि हम अपनी बिल्डिंग नहीं बना सकते इतनी ऊंची, तो ये दो टावर इस तरीके से कैसे खड़े हो गए, ठीक है। और उसके बाद और उससे पहले भी कई बातें ये भी निकल के आ रही है कि भाई अगर आप जो भ्रष्टाचार का मामला ये है तो इसके अंदर आप सुपर स्पेशलिटी टाइप की हॉस्पिटल बना सकते थे, कुछ और जो है जनहित में काम में ले सकते थे, आपको गिराना नहीं चाहिए था। लेकिन बहुत से बातों को ध्यान में रख के एक विश्लेषण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द जो है ट्विन टावर्स को उड़ाया जाए। तो आज ये जो है 28 अगस्त को 2:30 पर नोएडा के ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया है। एएनआई की रिपोर्ट के हिसाब से नोएडा के सुपर टेक ट्विन टावर्स को आज यानी कि 28 अगस्त को 2:30 पर यानी कि 2:30 बजे जो है 3,700 किलोग्राम के विस्फोटक के द्वारा उड़ा दिया गया। ये लगभग बिल्डिंग 9 सेकेंड के अंदर पूरी तरह धराशायी हो गई थी, और ये 9 सेकेंड उन 9 सालों के लड़ाई का एक ऐसा परिणाम था जो लोगों ने लड़ी, ठीक है। 9 साल तक ये पूरा लंबा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पीछे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर चलता रहा, और 9 साल बाद जो है ये 9 सेकंड के अंदर बिल्डिंग धराशायी हुई है। लोगों को कहना है कि ये भ्रष्टाचार का रावण था जो कि आज धराशायी हुआ है, ये एक तरह का ऐसा दशहरा है जो कि बिल्डर्स रूपी जो रावण है, जो कि नियमों को ताक पे रख के आसपास की जो सही रूप में बिल्डिंग बनी हुई है उनको परेशान करते हुए जो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि अगर आप गलत तरीके से बिल्डिंग बनाएंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। और ये बात ठीक है कि अगर इस बिल्डिंग का प्रयोग हो सकता था तो लिया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश लेना भी बहुत ज़रूरी था कि संदेश देना भी बहुत ज़रूरी था कि आप जो बिल्डर्स हैं, अगर आप गलत तरीके से बिल्डिंग खड़ी करेंगे, अगर आप नियमों को ताक पर रखेंगे, अगर आप रिश्वत से काम करेंगे, तो आपका यही हश्र होगा।